वो जो लीन पैच है ज़िंदगी, उसमें इंसान अगर याद रखे कि मेरे रब ने मुझे इतना अरसा जो उस लीन पैच से बहुत लंबा है, बगैर किसी ज़्यादा शदीद मेहनत के मुझे ऐश कराएं, अगर उसकी मौजूदगी में थोड़ा सा एक लीन पैच आ गया तो ये भी गुजर जाएगा। ये ज़ाती तजर्बा भी है और दूसरों से भी देखा मैंने कि वो जो लीन पैच आता है ज़िंदगी में, उसके बाद जो अल्लाह ताला अरूज अता फरमाता है वो बहुत है। होता ये है कि उस लीन पैच में हम बड़ी दुआएं करते हैं और लगता हमें यही है जैसे आपको लगा कि कोई दुआ काम नहीं करती, कोई वजीफा काम नहीं कर रहा, वो दुआएं सब जमा हो रही होती हैं, तो उसके बाद इकट्ठे ही उनके इनामात मिलते हैं, इसलिए पहले से ज़्यादा अरूज होता है। शोहरत किसी गुलाम को नहीं मिली, वो थे अय्याज महमूद के। तो एक दिन वहाँ बैठे थे दरबार, तो बादशाह ने फ्रूट खाने लगा तो उठा के पहले एक फ्रूट वज़ीर को दिया, दूसरा अय्याज को दिया कि ये खा लीजिए। तो वज़ीर ने एक बाइट ली और चुपचाप रख दिया इस साइड पर, अय्याज मज़े से खाता रहा। तो महमूद ने वज़ीर से पूछा कि क्या हुआ, खा नहीं रहे आप? तो उसने कहा कि हजूर ये कड़वा है। तो अय्याज से पूछा कि क्या फ्रूट कड़वा है? उसने कहा जी हजूर। फिर खा के क्यों रहे हो? उसने कहा जी आपने सारी उम्र क्या क्या नेमतें नहीं खिलाई मुझे, आज अगर कड़वा फल दे दिया तो क्या हुआ, मैं इनकार कैसे करूँ।